सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज के पिछले एपिसोड में डेमिग्रा अपने डार्क एनर्जी से पूरे डायमेंशन को डार्क रियल में बदल देता है। साथ ही साथ कई वॉरियर जो हेल में थे, डेमिग्रा उन सबको आजाद कर देता है। डेमिग्रा डार्क फैक्टर के पावर का इस्तेमाल कर सभी इविल वॉरियर्स के साथ साथ खुद का पावर बढ़ा लेता है। दूसरी तरफ गोजीटा और ब्रोली फाइट करने लगते हैं। डेमिग्रा अपने पावर को बढ़ाकर सबसे पहले आयोस पर अटैक कर देता है। गोकू उसे बचाने की कोशिश करता है और एक एनर्जी ब्लास्ट डेमिग्रा पर चलाता है, लेकिन उस ब्लास्ट को डेमिग्रा अपने ब्लास्ट के साथ मिलाकर गोकू को ही उड़ा देता है। जब गोकू और डेमिग्रा फाइट कर रहे थे तो आयोस उस टाइम के बीच एक टाइम अटैक को बनाने में कामयाब हो जाती है और डेमिग्रा पर चलाती है, लेकिन डेमिग्रा उस टाइम अटैक को भी तोड़ देता है और अपना पावर कई गुना बढ़ा लेता है। डेमिग्रा उस डार्क पावर को रिलीज करता है जो उसने डार्क किंग को मारने के बाद हासिल किया था। उस पावर को रिलीज करने से डेमिग्रा एक नए रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। खुद को ट्रांसफॉर्म करने के बाद डेमिग्रा सबसे पहले वर्तमान सुप्रीम कायटन क्रोनोआ के पास आ जाता है और उसे खत्म करने के लिए तैयार होता है। गोकू क्रोनोआ को बचाने के लिए डेमिग्रा की तरफ बढ़ता है और उस पर एक अटैक करता है, लेकिन डेमिग्रा उसके अटैक को रोककर गोकू को एक जोरदार फाइट मारता है जिससे गोकू दूर उड़ जाता है। डेमिग्रा कई एनर्जी ब्लास्ट गोकू पर चलाता है। दूसरी तरफ फ्रीजा से यामचा विड्रो मिलकर फाइट कर रहे थे। फ्रीजा जिसने कई प्लैनेट मर्सिलेसली तबाह कर दिया था, उस प्लैनेट में एक प्लैनेट विड्रो का भी था जिसे विड्रो याद करती है। यामचा और विड्रो मिलकर एक ग्लास ब्लास्ट से फ्रीजा पर अटैक करते हैं। इस बीच विड्रो यामचा को प्रपोज भी कर देती है। दूसरी तरफ डेमिग्रा गोकू को बहुत बुरी तरह से घायल कर चुका था। डेमिग्रा अपना पावरफुल पंच गोकू को मारता है। दूसरा पंच डेमिग्रा गोकू को जैसे ही मारने की सोचता है, एक ब्लास्ट डेमिग्रा की तरफ आता है। गोकू को छोड़ डेमिग्रा उस ब्लास्ट को डॉज करता है। वह विजीटा था। फाइट एक रोमांचक मोड़ लेती है। क्रोनोआ विजीटा को देख खुश होती है। क्रोनोआ गोकू और विजीटा को देखकर कुछ प्लान करती है। क्रोनोआ उस प्लान को पूरा करने के लिए आयोस से मदद मांगती है ताकि आयोस डेमिग्रा को कुछ देर संभाल ले और क्रोनोआ गोकू और विजीटा की मदद के लिए कुछ कर पाए। आयोस तैयार हो जाती है। आयोस अपना पावर को फिर बढ़ाती है। क्रोनोआ गोकू और विजीटा से टेलीपैथी करती है। दूसरी तरफ गोहन और ट्रंक्स जो सेल और कई इविल वॉरियर्स से लड़ाई कर रहे थे, दोनों पीट रहे थे, एक ब्लास्ट ट्रंक्स की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन गोहन ट्रंक्स को बचा लेता है। ट्रंक्स गोहन को उसे बचाते हुए देख हैरान होता है। गोहन ट्रंक्स से कहता है, मुझे माफ कर दो ट्रंक्स, मेरी खुद की कमजोरी की वजह से मैं बहुत गुस्सा था। सही हिस्ट्री को बचाने के लिए मैं बहुत आगे निकल गया। मुझे लगता है मैं कंफ्यूज और हार गया था। मैं उस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहा था। गोहन ट्रंक्स को कहता है, लेकिन इस बार मुझे तुम्हें बचाना है। एक बार फिर ट्रंक्स कहता है, इस बार मैं भी तुम्हें बचाऊंगा गोहन, चलो एक साथ फाइट करते हैं। गोहन ट्रंक्स के बातों से खुश होता है और दोनों अपना पावर बढ़ा लेते हैं। उधर आयोस डेमिग्रा को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आयोस डेमिग्रा को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती है और डेमिग्रा आयोस के अटैक को तोड़ देता है। डेमिग्रा अचानक आयोस के नजदीक आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे कई टुकड़े कर दूंगा, और आयोस पर एक अटैक करने लगता है। लेकिन जैसे ही वह अटैक करने की सोचता है, उस पर एक जोरदार पंच से अटैक होता है। वह गोजीटा था जो क्रोनोआ के पेटोरा की मदद से फ्यूज हो गए थे। डेमिग्रा उस पंच से बहुत दूर फेंका जाता है और गुस्से में उठता है। क्या गोजीटा डेमिग्रा को हराने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज का अगला एपिसोड।